please subscribe my channel and click the bell icon so that you may have the notification of my new videos. Hi, this is Shama Rashid from Holy Channel. Kaise aap log? Aaj main aapko toffee banana sikhaungi jo ki condensed milk se banti hai. Aur iske liye jo ingredients chahiye wo 1 cup of condensed milk aur घी चाहिए. ये थोड़ा मेल्ट करना है और इसके अलावा एक वनीला एसेंस हाफ टी वन टीस्पून हाफ जो है वो हमें वनीला एसेंस चाहिए और ये जो घी है ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है. तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं. इस पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया. अब मैं इसके अंदर घी डालूँगी. आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे घी का जायका ज़रा पसंद है इसलिए मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ. जैसे ही इसमें घी गर्म होगा तो मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दूँगी. कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने दे दी हुई है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे सकते हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं. वो भी बहुत इजी रेसिपी है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा. चलिए हम इसके अंदर, अब घी गर्म हो गया, हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे. और इसको हम तकरीबन उतनी देर तक भूनेंगे कि जितनी देर तक ये जो है सारा जो इसका मिक्सचर है वो गाढ़ा ना हो जाए. जैसे ये गाढ़ा होना शुरू होएगा हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे. गाढ़ा होना शुरू हो गया, अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डालूँगी और इसको स्टोर कर लूँगी ताकि ये बर्न ना हो जाए. अब देखें इसके अंदर वनीला एसेंस का टेस्ट भी आएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. और ये देखें इस तरह से इसको आप मिक्स करते जाएं और ताकि ये जो है वो पैन के साथ चिपक ना जाए, जल ना जाए, इसी तरह से इसका चम्मच को हिलाते रहें. अब ये देखें ये और ठीक होता जा रहा है और फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से इसको जो है वो ये जो है इसका गाढ़ा पन आ जाए और ये जले नहीं. और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आप इसको इसकी वनीला एसेंस की जगह आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून आप हाफ टी स्पून सॉरी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आप इसके अंदर फूड कलर अगर आप डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको इतना इस वक्त तक वेट करूँगी जब तक इसका अपना ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता. आप देख सकते हैं कि टॉफ़ी के मिक्सचर ने जो है वो पैन को चिपकना छोड़ दिया. अब ये जो है वो और इसे मैं गाढ़ा करूंगी और ये बिल्कुल ऐसे टॉफ़ी की शेप में आ जाएगा. देखें ये अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये देखें ये कितना थिक हो गया है और ये बिल्कुल टॉफ़ी की शेप में आ गया. और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल ब्राउन कलर इसका आया है. अगर इसमें आप फूड कलर डालना चाहते हैं लेकिन देखें इसका ये भी कलर बहुत अच्छा है अगर आप इसको इसी कलर में रहने दें. तो अब मैं इसे फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा मैं ठंडा होने दूंगी. जब ये हल्का सा नीम गर्म होगा तो मैं इसे जो है वो किसी प्लेट में फैला कर तो इसको मैं जो है वो फ्रिज में रख दूंगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी टॉफ़ी. थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब मैं इसे जो है वो बर्तन में निकालूंगी. तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ग्रीस करूँगी ट्रे को ताकि ये इसके साथ चिपके नहीं और आसानी से ये निकल सके. ग्रीस हो गया, अब मैं इसके अंदर सारा मिक्सचर डाल दूँगी. मैंने इसे पैन से निकाल के तो इसमें डाल दिया, इसको ग्रीस किया और इसको मैंने इस तरह से शेप में डाल दिया. गरम गरम ही डालना था क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता तो ये पैन के साथ चिपक जाता. तो अभी मैंने इसको ग्रीस भी कर दिया थोड़ा सा. अब मैं इसको ऊपर इसके कवर करके तो मैं इसे कुछ 15 मिनट जो है वो फ्रीज़र में रखूँगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी. ये टॉफ़ी बनकर तैयार है. इसे 15 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र से निकाल के छोटे टुकड़ों में काट लिया है. आप देखें इसका कितना खूबसूरत अपना नेचुरल कलर कितना खूबसूरत आया है. आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और आप इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है, इसको आप एयर टाइट बैग में जैसे कि ये है इसके अंदर आप इसे डाल के तो आप इसे
फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 1 मंथ, ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या दोस्तों के साथ शेयर करें और थम्स अप करें और अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच।